नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज मैं अपने स्टूडेंट्स को हॉस्टल का टूर करवाना चाहता हूँ। आपने एकेडमी को देखी ली, मैं भी एकेडमी के बाहर ही खड़ा हूँ और अब आपको मैं हॉस्टल ले चलता हूँ। अब हम डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी हॉस्टल किस तरीके से रन करते हैं। तो हम लोग डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी के हॉस्टल पहुंच चुके हैं। आपने देखा कि एकेडमी से ज़्यादा दूर नहीं है, अराउंड 5 to 10 minutes लगते हैं हॉस्टल पहुंचने में। आइए आपको हॉस्टल अंदर से दिखाते हैं। तो अंदर आते ही आप देख सकते हैं, आप लेफ्ट साइड में देखें कितने ग्रीनरी है, बच्चों के यहाँ पर फ्रेश एयर आपको मिलेगा। राइट साइड में देखिए तो यहाँ पर गार्डन भी है, बहुत सारे फ्लावर्स हैं। तो जो एनवायरनमेंट बच्चों को घर पे मिलता है वही एनवायरनमेंट देने की पूरी कोशिश करी हमने इस हॉस्टल। आइए इसको अंदर से देखें। ये हॉस्टल का मेन डोर है, आइए अंदर चलते। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक घर है जिसको हम लोगों ने रेंट पे लिया है और इसी को हम लोगों ने हॉस्टल में कन्वर्ट किया है ताकि एकदम घर वाली फीलिंग आए बच्चों। तो आइए अंदर आइए। तो अंदर आते ही जो एरिया आप देख रहे हैं ये किचन के एकदम पास है, बच्चे यहीं पर अपना खाना खाते हैं, यहीं पर ब्रेकफास्ट करते हैं, यहीं पर डिनर करते हैं। तो हमने एकदम सिंपल रखा हुआ है, बच्चे यहाँ पर चटाई बिछाते हैं और चटाई में बैठ के खाना खाते हैं। आइए मैं आपको किचन दिखाता हूँ। तो ये किचन है, एकदम घर वाला आपको फील यहाँ पर देखने को मिलेगा। जैसे घर पे एक किचन होता है उसी तरीके का किचन है और साफ सफाई यहाँ पर बहुत ध्यान रखा जाता है, बच्चों के लिए साफ सफाई बहुत सब जरूरी है। अच्छा, तो एक चीज़ और हम लोगों ने करी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे थोड़ा सा धार्मिक होते हैं और पूजा पाठ में उनका मन होता है, तो हमने एक छोटा सा मंदिर बच्चों ने यहाँ पर बनाया है। बच्चे सुबह उठ के यहाँ पर पूजा पाठ अपना करते हैं ताकि जो मन की शांति है वो बच्चों की बने रहे। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ बच्चों का रूम, स्टूडेंट्स का रूम कैसे रूम में रहते हैं। आइए, तो ये आप देख सकते हैं बच्चों का रूम है, 2 beddings इसमें लगी हुई हैं, प्रॉपर स्पेस बीच में दिया गया है, प्लस कबर्ड्स भी हैं, साफ सफाई का भी ध्यान रखते हैं, कबर्ड्स भी हैं, तो कबर्ड्स में बच्चे जो भी अपना लगेज है वो रख सकते हैं। उसके अलावा आपने देखा होगा बच्चों ने यहाँ पर कुछ चीज़ें चिपकाई हुई हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस प्लस टाइम टेबल वो लगा रखा है। यहाँ पर भी आपने देखा है बच्चों ने कुछ मोटिवेशन के कुछ फ्रेजेस लिखे हुए हैं, कुछ एडियम्स लिखे हुए हैं, प्लस यहाँ पर बच्चों ने सिलेबस भी अपना लगा रखा है, ठीक है, वो सारे बच्चे कर सकते हैं। चलिए आपको और रूम्स भी दिखाते हैं। अच्छा, रूम्स दिखाते हुए मैं आपको वॉशरूम भी दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। वॉशरूम से पहले यहाँ पर वॉश बेसिन है बच्चों के लिए, बच्चे यहाँ पर हाथ मुँह सब सारी चीज़ें धोते हैं। 2 वॉशरूम्स हैं यहाँ पर, एक ये वॉशरूम है, ठीक है, इंडियन स्टाइल है, ठीक है। दूसरा वॉशरूम दिखाता हूँ, ये दूसरा वॉशरूम है, तो बच्चों के लिए 2 वॉशरूम्स की यहाँ पर फैसिलिटी है, ठीक है। जो टॉयलेट है वो इंडियन स्टाइल है। आओ दूसरे रूम में ले चलता हूँ आपको मैं। दूसरा रूम थोड़ा सा बड़ा है पहले वाले रूम से, तो यहाँ पर हम लोगों ने 3 beddings लगाई हैं। अगेन यू विल फाइंड प्रॉपर स्पेसिंग, ठीक है, 3 beddings हैं यहाँ पर, 3 बच्चे बहुत इजीली अकोमोडेट हो सकते हैं, प्लस 3 बच्चों के लिए यहाँ पर कबर्ड्स भी, उनका लगेज भी यहाँ पर इजिली आ सकता है, हम देख सकते। चलिए एक और रूम बचता है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये एक सबसे बड़ा रूम है, इट्स अ काइंड ऑफ हॉल जहाँ पर टोटल 6 बच्चे अकोमोडेट कर सकते हैं, प्रॉपर स्पेसिंग आप देख सकते हैं, यहाँ पर 6 बच्चे बहुत इजीली अकोमोडेट हो जाएंगे। तो यहाँ पर बहुत इजीली 6 बच्चे अकोमोडेट हो जाएंगे, प्लस आप देखेंगे कि यहाँ पर विंडोज भी हैं बहुत सारी, तो वेंटिलेशन बहुत अच्छा है, बहुत प्रॉपर है, आपने ग्रीनरी बाहर देखी ली है, तो बहुत अच्छा इन्वायरमेंट बच्चों को मिलता है यहाँ रहने के। ओके, साफ आबो हवा है, पोल्यूशन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आसपास आपको काफ़ी पेड़ पौधे देखने को मिल जाएंगे। तो थोड़ा सा ओपन एरिया है यहाँ पर, यहाँ पर बच्चे कुछ फिजिकल एक्टिविटी भी करते हैं, लाइक स्किपिंग भी करते हैं यहाँ पर, और बाहर क्योंकि जो रोड है ये
ये अंदर सोसाइटी की रोड है, तो यहाँ पर बच्चे रनिंग भी करते हैं, तो ये काफ़ी सेफ है। इट्स नॉट अ मेन रोड कि यहाँ पर गाड़ियाँ चलती हैं, ये सोसाइटी की रोड है। आई शो यू कम, यहाँ पर हम थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, प्लस अगर मुझे बच्चों को कभी रनिंग करवानी हो तो मैं वो बाहर करूँगा। ये एक छोटा सा ट्रैक आप इसे मान सकते हैं, तो यहाँ पर बच्चे थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, खासकर रनिंग यहाँ पर हम लोग बच्चों की करवाते हैं। तो ये एक छोटा सा टूर था डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी के हॉस्टल का। आपने देखा एकेडमी से ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। तो ये वीडियो हमने स्पेशली पेरेंट्स के लिए बनाया है जो थोड़ा सा कंसर्न रहते हैं कि बच्चा हमारा कहाँ जा रहा है, कैसे हॉस्टल में जा रहा है। प्लस हॉस्टल के बारे में आपको तब ज़्यादा समझ में आएगा जब आप खुद यहाँ आएंगे, विजिट करेंगे, तो आपको हॉस्टल दिखाया जाएगा और तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। That's all for today. Bye-bye. See you soon. All the best.